काफी सारी न्यूज है जो कि हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। अब इसके अंदर सबसे पहला जो मुद्दा था वो था यूक्रेन वॉर को लेकर। अब देखो लास्ट टाइम जब इंडोनेशिया में हुआ था ना, तो इंडोनेशिया में तो डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया गया था, है ना, डायरेक्टली क्रिटिसाइज जो कि किया गया था। लेकिन इधर ऐसा नहीं किया गया है, हमने ध्यान रखा है कि रशिया भी हमारा पार्टनर जो था वो हमेशा रहे, और साथ में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है जिनके साथ हम लोग काफी बिजनेस कर रहे हैं, करने वाले हैं, उनको भी हम लोग थोड़े सेटिस्फाई कर सके। तो हमने डायरेक्टली रशिया यूक्रेन की वॉर के अंदर इनका नाम नहीं लिया, हमने जो है वो डायरेक्टली ये बोला है कि हमें कंसिस्टेंट के साथ में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग यूएन चार्टर को फॉलो करें। कोई भी देश को रिफ्रेन करना चाहिए किसी को धमकी देने से, है ना, किसी की इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाने से, सोवरेनिटी को, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को, और कोई भी न्यूक्लियर वेपन जो है वो यूज ना करें, ना ही थ्रेट दे। इस स्टेटमेंट से दोस्तों हमने चाइना और एक तरीके से रशिया दोनों की ही बातें इनडायरेक्टली जो कि कह दी। इसके अलावा पीसफुल हमें रिजोल्यूशन करना है किसी भी क्राइसिस का। इसके अलावा डिफरेंट व्यू और असेसमेंट किसी के भी हो सकते हैं सोच विचारों के, है ना, और टुडे जरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर, आज के जमाने में वॉर नहीं होनी चाहिए। तो इनडायरेक्टली हमने यूक्रेन वॉर के ऊपर बहुत कुछ जो कि कह दिया, जिससे हमने सबको सेटिस्फाई कर दिया। हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता था कि डायरेक्टली हम लोग जो है वो रशिया को काउंटर करें, यूक्रेन को जो है हम लोग डायरेक्टली सपोर्ट करें, लेकिन हमने इनडायरेक्टली जो है कई सारे वर्ड ऐसे यूज करे जिससे दोनों ही काम हो गए हमारे। इसके अलावा ग्रेन एंड फूड एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो हमने बोला है कि रशिया और यूक्रेन दोनों को ही इंश्योर करना चाहिए कि इमीडिएट और अनइंटरप्टेड डिलीवरी जो है ना ग्रेन्स की, फूड स्टफ की, फर्टिलाइजर की, वो पूरी दुनिया को अवेलेबल हो जाए। इसके अलावा कैसे फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी हो सकती है, कैसे हम लोग आपस में मिलकर फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं, उसको मिलकर काम करें, और एनर्जी मार्केट और जो फूड मार्केट है उसके अंदर हम लोग प्राइसेस दुनिया में फ्लक्चुएशन ना हो उसके ऊपर काम कर सके। इसके अलावा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मार्केट को भी बात करी गई। इसके अंदर बोला गया कि हमें साथ में मिलकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना चाहिए, एक्सचेंज रेट कमिटमेंट जो G20 के फाइनेंस और जो वहाँ के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स के द्वारा किया गया था उसके ऊपर काम करना चाहिए। साथ में हमें क्रिप्टो के जो एसेट्स हैं, जो एक्टिविटीज है, उसके ऊपर भी मिलकर काम करना चाहिए। साथ में सारे देश जो G20 कंट्रीज हैं इनके फाइनेंस मिनिस्टर और साथ में सेंट्रल बैंक के गवर्नर, शुरुआत भी इसी से तो हुई थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था ना कि जो G7 बना था 1975 के ऑयल क्राइसिस के बाद में, और वैसे ही 1998 के अंदर जब क्राइसिस आया उसके बाद 1999 के अंदर G20 आया जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, तो उसके बाद में जब स्टार्टिंग करी गई थी सेंट्रल बैंक और फाइनेंस मिनिस्टर से करी गई थी, आज भी इनका मेजर रोल है। तो ये लोग जो है क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक रोड मैप है जो कि बनाएंगे। इसके अलावा कैसे हम लोग फेयर कॉम्पिटिशन इंश्योर कर सकते हैं G20 कंट्रीज में, प्रोटेक्ट डिस्करेज कर सकते हैं प्रोटेक्टिविज्म और मार्केट की जो गलत प्रैक्टिसेस है उनको कैसे रोक सकते हैं, ये सारी चर्चा जो है वो फाइनेंशियल मार्केट और इकोनॉमिक्स के ऊपर करी गई। इसी प्रकार से क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात करी गई कि हम लोग कोल पावर को कम करेंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे कि लो कार्बन जो है वो जनरेट हो सारे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी। इसके अलावा 3 गुना जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी करेंगे 2030 तक, साथ में सस्टेनेबल फाइनेंस को आगे लेके जाएंगे, कार्बन प्राइसिंग और नॉन प्राइसिंग मैकेनिज्म उसके ऊपर भी काम करेंगे ताकि लोगों को इंसेंटिवाइज किया जा सके अगर जो कार्बन को कम कर रहे हैं। इसी प्रकार से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की काम करेंगे और 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर जो है 2030 तक के पीरियड तक डेवलपिंग कंट्रीज को जरूरत होगी अगर हमें एमिशन टारगेट को पूरा करना है। तो साथ में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी और के साथ में काम करेंगे और क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर 2024 से काम करना स्टार्ट करेंगे, जहां पे $100 बिलियन एक साल का कमिटमेंट है जो कि सभी लोग करेंगे। समझ गए, एम्बिशियस और बहुत ही ट्रांसपेरेंट और ट्रैकेबल जो है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल जिसको बोला गया है, जिसको हम लोग NCQG कहते हैं, न्यू क्वांटिफाइड कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल क्लाइमेट फाइनेंस का, ये $100 बिलियन का स्टार्ट करेंगे। तो ये क्लाइमेट के ऊपर चर्चा हुई। ग्लोबल डेप्थ की बात करें, जो कर्जा होता है उसके ऊपर बोला गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको हम लोग बचाएंगे कर्जे से ज्यादा। चाइना के ऊपर ये दोस्तों डायरेक्टली बताया गया कि क्योंकि चाइना कर्ज में डुबोता है फिर वहां पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसी प्रकार से जो इथियोपिया में प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करने के ऊपर कोशिश करेंगे। हेल्थ के ऊपर भी बात करी गई कि कमिटमेंट जो है हम लोग हेल्थ का आर्किटेक्चर अच्छा करेंगे, एनहेंस करेंगे ताकि सभी लोगों को हेल्थ के बेनिफिट है जो कि मिल सके, है ना।